का सो लेट्स टॉक टू हिम सर. फादर की डेड बॉडी वहाँ मिली है, तो क्या एक्चुअली सीन है, क्या हुआ? ऐसा है, फादर सेंट पॉल चर्च है, स्कूल है उसमें, चर्च है, वहाँ रहते थे. मुझे भी पत्रकारों का लोकल होशियारपुर से फ़ोन आया था. मैं इधर अमृतसर में ड्यूटी आया हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है दसुआ. उन्होंने फ़ोन किया भी कोई फादर है, विटनेस है, मलकल जो नन रेप केस है उसकी भी, उसकी डेथ हो गई है. तो उसके ऊपर फिर मैंने चेक करवाया, हमारी टीम वहाँ गई. तो वहाँ पे जब पहुँचे वो, उसकी बॉडी डेथ हो चुकी है, उसकी हॉस्पिटल ले जा चुके थे वहाँ पे. और वहाँ पे हमने देखा भी बेड पे उल्टी हुई थी. अब जैसे जो उसके कुलीग्स हैं जहाँ चर्च में रह रहे हैं वो कंप्लेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी तफ्तीश जारी करेंगे, पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी कर दी जाएगी. सर ये माना जा रहा है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, तो क्या आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कह रही है इसके बारे में? अभी इसमें इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा. तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सबूत जैसे जैसे मिलते जाएंगे. सर प्राइम ऑफ साई क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम गई है, उन्होंने देखा है, वहाँ से क्या लग रहा है? ही वॉज द वन ऑफ द विटनेस इन वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट केसेस अगेंस्ट फादर मुलक्कल. प्रामा फसाई जो है वो, उसकी बताते हैं उम्र 62 साल है, 62 ईयर्स ओल्ड है. उसके हिसाब से उसके कमरे में ब्लड प्रेशर की एक टेबलेट भी मिली है, कोई पर्ची मिली है, मकसूदा से उन्होंने दवाई ली है. उसके हिसाब से जो लगता है तो भी हार्ट अटैक है. वो दाखिल भी इसी पॉइंट पे कराया गया, उसको भी हार्ट अटैक हुआ है. तो अब देखेंगे पोस्टमार्टम में कैसा आएगा. पर सर ये भी माना जा रहा है कि जो उसका रूम है उनके एक साइड के विंडो टूटा हुआ है, तो ये भी वहाँ स्पॉट से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ से रूम में काफ़ी वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई यहाँ पे आया ना हो. उस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखो, मैं उधर नहीं, मैं स्पॉट पे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ दूर हूँ, मेरी टीम उधर गई थी. अभी वो कर रही है छानबीन कर रही है, हमारे जो उधर ऑफिसर उसको छानबीन कर रहे हैं, जैसा होगा वैसी कार्रवाई कर सर. ये भी माना जा रहा है उनको थ्रेट था, क्या आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी उनको कि जान नहीं जा, क्या आपके पास कोई कंप्लेंट आई थी? नहीं, इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं. वो इधर रह रहे हैं नहीं रह रहे, हमें कोई सूचना नहीं, ना ही हमें कंप्लेंट आई है कोई. अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती तो हम जरूर उसका रिएक्शन करते. तो अभी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इस केस में, क्या कौन सा केस रजिस्टर किया, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? नहीं, अभी जो वहाँ उनके साथ और फादर रह रहे हैं वो जैसा हमें कंप्लेंट करेंगे ना, उसके हिसाब से हम उसकी छानबीन करेंगे. पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हॉस्पिटल में रख दी गई है, पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी. सर थोड़ा इंसिडेंट के बारे बताओ, आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई और आपकी टीम ने क्या आपको अपडेट किया? ऐसा मेरे को तो पत्रकारों के फ़ोन आए थे होशियारपुर से भी, आपके इलाके में ऐसा जो विटनेस है, जो मुलक्कल नन केस रेप केस का विटनेस है, उनकी भी डेथ हो गई है. तो फिर मैंने सर्च शुरू की, हमारे वहाँ सेंट पॉल चर्च है, वहाँ पता चला, फिर वहाँ हमारी टीम मौके पर चली गई है. जी सर, मौके की टीम ने क्या आपको अपडेट दिया? उन्होंने यही बताया अभी, ऐसा भी जो बोल रहे हैं अभी, इसको अटैक हुआ है, रात को उठे नहीं, फिर उन्होंने चेक किया तो उसके बाद हॉस्पिटल ले गए थे अपने आप. वो पहले ले जा चुके थे हॉस्पिटल, जो उसके कुलीग्स हैं. अब देखते हैं जैसी कार्रवाई होगी वैसे कर दी जाएगी.